सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स की यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एलसीडी, एलईडी। दोस्तों, इन सभी गैजेट को यूज करने के लिए हेल्पिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप केबल टीवी यूज करना चाहते हो तो आपको सेटअप बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ओटीटी सर्विसेज को यूज करना चाहते हो तो आपको फायर स्टिक या फिर क्रोमकास्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टीवी में ओटीटी ऐप्स को ट्रैक एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मल्टीपर्पज डिवाइस लेके आऊं, जिसकी हेल्प से आप एक ही डिवाइस के साथ सभी डिवाइसेस का काम ले सकते हो। इस डिवाइस का नाम है फास्टवे अल्ट्रा 4K एंड्रॉयड बॉक्स। तो दोस्तों, ये बॉक्स बहुत ही यूजफुल है। इसकी हेल्प से आप मोर देन 500 चैनल देख सकते हो, HD प्लस SD, OTT ऐप्स यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर के थ्रू आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पे कास्ट कर सकते हो। दोस्तों, एंड्रॉइड बॉक्स के साथ जो रिमोट है उस पे गूगल वॉइस असिस्टेंट का बटन है, जिसकी हेल्प से आप वॉइस के थ्रू सर्च करके प्रोग्राम देख सकते हो, मूवी सर्च कर सकते हो, ऐप्स को ओपन कर सकते हो। अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वॉइस असिस्टेंट के थ्रू सर्च कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस बॉक्स को यूज करने के बाद आपका बिल 30-40% तक सेव हो जाएगा। अगर आप केबल टीवी यूज कर रहे हो एंड आप साथ में फाइबर कनेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको डबल बिल पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स को यूज करोगे, इसके बंडल पैक के साथ, तक आपका बिल 30-40% तक ऑफ हो जाएगा, मींस सेव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बंडल पैक लेना नहीं चाहते तो आप सिर्फ केबल टीवी कनेक्शन यूज कर सकते हो एंड अपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हो हॉटस्पॉट के थ्रू। दोस्तों, आगे हम वीडियो में प्लान डिस्कस करेंगे, अनबॉक्सिंग देखेंगे, सेटअप करके ऐप को यूज करके देखेंगे इस बॉक्स को कैसे यूज करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर आप फास्टवे यूजर हो, अभी आपको केबल एंड इंटरनेट फाइबर के लिए अलग अलग प्लान परचेज करने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉयड टीवी के बंडल पैक के साथ यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 बंडल पैक शो हो रहे हैं, 699, 799 एंड 999। दोस्तों, 699 में आपको 500+ HD एंड SD चैनल्स देखने को मिलेंगे, इंटरनेट स्पीड मिलेगी 50 MBPS, इंटरनेट डाटा अनलिमिटेड, कॉल्स अनलिमिटेड। नेक्स्ट प्लान है 799 का, इसमें भी 500 चैनल्स, 100 MBPS स्पीड। उसके बाद प्लान आता है यहाँ पे 999 का, दोस्तों इसमें भी 500 HD प्लस SD चैनल्स, 150 MBPS स्पीड। यहाँ पे आपको OTT की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी फ्री में, Amazon प्राइम, वूड सेलेक्ट, एरोज नाउ, गाना, एओ नेक्स्ट, एपिक ऑन। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड बॉक्स की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, बॉक्स में 500+ चैनल्स प्ले होंगे, ओके गूगल की सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, HDMI 2.1 की सपोर्ट है, ड्यूल बैंड। दोस्तों, इंटरनेट के यहाँ पे 2.4 GHz एंड 5 GHz ड्यूल बैंड को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ की सपोर्ट मिलती है, USB 3.0 की सपोर्ट मिलती है, माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट मिलती है, इनबिल्ट गूगल क्रोम कास्ट भी यहाँ पे हमें इस बॉक्स में मिलता है। दोस्तों, इसमें आप लाइव चैनल्स को पॉज एंड रिज्यूम कर सकते हो, रीवॉच कर सकते हो 7 डेज के प्रोग्राम को, अपने मोबाइल को एज ए रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हो। दोस्तों, 5000 एप्स एंड गेम्स को आप एक्सेस कर सकते हो। बॉक्स में वीडियो सपोर्ट मिलती है 4K at 60 frames। दोस्तों, बॉक्स में OTT एप्स की भी सपोर्ट मिलती है, प्राइम वीडियो, Z5, यूट्यूब, डिजनी, हॉटस्टार, सोनी लिव, गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से आप अनलिमिटेड एप्स को डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है HDMI केबल, HDMI केबल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये ऑडियो वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ HDMI केबल के थ्रू ही आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, वायरलेस को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में यहाँ पे लैन केबल भी दी गई है। यहाँ पे गाइड बुक दी गई है, इसको देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में अडॉप्टर मिलता है जो सपोर्ट करता है 12 वोल्ट, 1.5 एम्पीयर। यहाँ पे 2 बैटरीज मिलती है रिमोट के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हमें रिमोट मिलता है, यूट्यूब बटन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्स का बटन मिलता है, गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करके आप रिमोट से वॉइस के साथ कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी मूवी आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई न्यूज चैनल देख सकते हो डायरेक्टली, कोई भी आप ऐप ओपन कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके। फाइनली हम देखते हैं एंड्रॉयड बॉक्स को, फास्टवे प्लस अल्ट्रा 4K। दोस्तों, ये 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। फ्रंट साइड पे पावर बटन है, पावर इंडिकेटर, IR इंडिकेटर, इंटरनेट इंडिकेटर,
दोस्तों बैक साइड पे आपने यहाँ पे केबल को इंसर्ट करना है। आप साथ में यहाँ पे सेटअप बॉक्स के चैनल्स को भी एक्सेस कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे SPDIF की पोर्ट मिलती है, HDMI पोर्ट मिलती है। दोस्तों इस पोर्ट में आपने केबल को इंसर्ट करके दूसरी तरफ अपने LCD या फिर LED में इंसर्ट करनी है। दोस्तों यहाँ पे लैन केबल भी मिलती है। अगर आपके पास वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू इंटरनेट दे सकते हो इस बॉक्स को। पावर केबल को इंसर्ट करना है। दोस्तों इस साइड पे माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। USB 2.0 एंड USB 3.0 की यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलती है। अभी हम बॉक्स को TV के साथ कनेक्ट करके यूज़ करके देखें कि कैसे यूज़ करना है। तो जैसे हम बॉक्स को पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे फास्टवे का लोगो शो होगा, उसके बाद एंड्रॉयड TV का। आफ्टर दैट आपने रिमोट से ओके एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए, ताकि जो कि वॉइस सर्च के लिए ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। आफ्टर दैट आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है जिस लैंग्वेज में आप बॉक्स को यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे आपने स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ उसके बाद आपको वाईफाई सिग्नल शो होगा, आपने वाईफाई को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है कनेक्टिंग, अभी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। दोस्तों अभी मेरा बॉक्स वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे गूगल अकाउंट मीन्स जीमेल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है बॉक्स को यूज़ करने के लिए। गूगल अकाउंट एंटर नहीं करोगे तो आप बॉक्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों बॉक्स को सेटअप करने के बाद यहाँ पे फास्टवे लाइव TV मीन्स अगर आप चैनल देखना चाहते हो तो आपने फास्टवे लाइव TV को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूट्यूब एंड अदर ऐप्स भी शो हो रही हैं, तो अभी यहाँ पे मैं लाइव TV को सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइव TV को सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे चैनल्स की सर्चिंग स्टार्ट हो गई है, जो भी आपके केबल के चैनल्स हैं यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट हो गई है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चैनल शो होने स्टार्ट हो जाए। जैसे आप नॉर्मल केबल TV से चैनल चेंज करते हो, तो इस यहाँ पे भी आप रिमोट के साथ चैनल्स को चेंज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं होम बटन पे क्लिक करके एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे मैं YouTube को ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों YouTube को ओपन करने के बाद अभी हम यहाँ पे वॉइस सर्च करेंगे। दोस्तों आपने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बटन को प्रेस करना है सर्च करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला के जो भी सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे सभी यहाँ पे सर्च हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो गया। दोस्तों अगर आप ऐप्स को सर्च करना चाहते हो तो आपने ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है गेट मोर ऐप्स, गेट मोर गेम्स। अगर आप गेम्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ गेम्स पे क्लिक करके गेम्स भी डाउनलोड। तो बॉटम पे यहाँ पे जो भी ऐप्स आपके पास इंस्टॉल है सभी ऐप्स शो हो जाएंगी, जो भी आप इंस्टॉल कर चुके हो। अभी हम यहाँ पे ऐप को सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। तो आप यहां से इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। आप वॉयस कमांड के थ्रू भी ऐप को सर्च कर सकते हो अगर आप राइट नहीं करना चाहते। दोस्तों नेक्स्ट यहां पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करके मेन मेन ऐप्स को होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, जिन ऐप्स को आप ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर एंड प्राइम वीडियो को ऐड किया। तो सेटिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ नेटवर्क की सेटिंग चेंज कर सकते हो, अकाउंट चेंज कर सकते हो, ऐप्स पे क्लिक करके ऐप्स देख सकते हो, डिवाइस प्रेफरेंस, टीवी सेटिंग। टीवी सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिस्प्ले चेंज कर सकते हो, ऑडियो आउटपुट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है डिवाइस प्रेफरेंस के अंडर आपको यहाँ पे क्रोम कास्ट इन बिल्ट की ऑप्शन मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पे गूगल क्रोम कास्ट को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है स्क्रीन सेवर की, आप यहाँ पे स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, लोकेशन को अनेबल डिसेबल करने की, एक्सेसिबिलिटी की। अगर आप रीबूट करना चाहते हो तो आप रीबूट पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर सकते हो। टीवी सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर स्क्रीन रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलनी है, आप अपनी LED की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी है रिमोट एंड एक्सेसरी एड ब्लूटूथ की। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ब्लूटूथ को यहाँ पे अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को अटैच कर देते हो
तो वॉइस आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स में आएगी, टीवी में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप ब्लूटूथ हेडफोन्स को यूज़ कर मूवीज या फिर म्यूजिक का मजा ले सकते हो। दोस्तों अगर आपकी फास्ट वे एंड्रॉइड बॉक्स, अमेजन फायर स्टिक या गूगल क्रोम कास्ट की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके रिकमेंड कर अप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।